भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सबके मानदेय के लिए 30 मार्च को अभी बजट का सरकारी आदेश जारी हो गया है। राज्यपाल जी ने शहर से स्वीकृति प्रदान कर दी है। महावीर प्रसाद गौतम जो संयुक्त सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने यह सरकारी आदेश आपके बाल विकास विभाग के निदेशक महोदय को भेज दिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ICDS सामान्य के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और जो कार्मिक हैं उनके वेतनादि के लिए धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में। आइए देखते हैं 30 मार्च के सरकारी आदेश में बजट स्वरूप आपको कितना कितना पैसा है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, मार्च आज से समाप्त हो रही है, कल से अप्रैल शुरू हो रहा है, नया वित्तीय वर्ष कल से शुरू हो जाएगा। तो अब पुराना जो भी लेखा जोखा मानदेय का है वो लगता है अब इसी वाले बजट में सब कुछ जो है कर दिया जाएगा। बाकी जो चीजें हैं आगे की वो अब नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा, अब आगे के लिए अलग से स्वीकृतियां आएंगी 2022 और 23 के लिए। आपको पता होना चाहिए अप्रैल से मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है और इस महीने सारे लेखा जोखा जो भी होते हैं वो सब पूरे कर लिए जाते हैं। तो आज बात करते हैं बजट की, किस किस मद में कितना कितना पैसा यहां पर आया है, ये पूरी जो है एक जो है तालिका भी बन के आई है, जिसमें आप लोगों को बताना चाहेंगे वेतन हो चाहे महंगाई भत्ता हो चाहे मानदेय हो चाहे गाड़ियों का पैसा हो पेट्रोल के लिए चाहे पैसा हो, सब कुछ अलग अलग, चाहे मकान किराया वगैरह भत्ता हो, सब कुछ अलग अलग दर्शाया गया है। अभी बताएंगे कितने कितने करोड़ रुपए किस किस चीज के मद में कब कब खर्च हुए हैं। वहीं पर बात करते हैं, पहले आदेश को एक बार ऊपर से जानने का प्रयास करते हैं। और आप सबसे छोटी सी विनती है, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल आपको हमेशा सच्ची जानकारी देता है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। अगर आप में से भाई बहन पहले से जो जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हैं अच्छी बात है, लेकिन जो चैनल से नहीं जुड़े हैं वो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को अपनी आल पर दबा लें, जुड़ जाएंगे तो हमेशा सच्ची जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। खैर आगे आप देखेगा इसमें क्या लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि 16 फरवरी 2022 के क्रम में अवगत कराना है कि अनुदान संख्या 49 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए आय व्ययक में प्रावधानित जो धनराशि है यहां पर लिखी है इतने लाख रुपए में, जिसमें आपको हम बता दें 2 अरब 23 जो है करोड़ और जो है कितने हैं नहीं 22 अरब और जो है 34 करोड़ 40 लाख 27 हजार रुपया ये लिखा हुआ है। इसके अलावा 7 अप्रैल 2021 के द्वारा रुपए लिखे हुए हैं यहां पर 5 अरब और जो है 1 करोड़ 76 लाख रुपए ये लिखे हुए हैं। फिर उसके अलावा शासनादेश संख्या 20 जुलाई 2021 की, उसके अकॉर्डिंग 2 अरब 79 करोड़ और 35 लाख रुपया ये लिखे हुए हैं। उसके अलावा 26 अक्टूबर 2021 का अगर संदर्भ लें तो उसके अनुसार जो स्वीकृति थी वो कितनी थी, 3 जो है यहां पर अरब और 43 करोड़ और 64 लाख 67 हजार रुपए ये लिखे हुए हैं। उसके अलावा आप देखिएगा यहां पर 10 फरवरी 2022 को जो लेटर था उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो है 3 अरब और अभी यहां पर आप देखना चाहें ये सॉरी हाँ 33 करोड़ 13 लाख जो है यहां पर 73 हजार रुपए लिखे हुए, कितने 33 करोड़ 13 लाख 73 हजार रुपए लिखे हुए हैं। उसके अलावा ये देखिए ये केंद्रांश है, ये केंद्र का हिस्सा है। और वहीं पर देखिए शासनादेश संख्या एक लिखी हुई है 28 फरवरी 2022 की, जिसके अनुसार यहां पर रुपए 4 अरब 40 करोड़ और यहां पर 6 लाख और 40 हजार रुपए लिखे हुए हैं, इतने की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। वहीं पर आगे पॉइंट नंबर 2 उन्होंने डाला है, जिसमें लिखा है कि उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अनुदान संख्या 49 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 जो कि आज से समाप्त हो जाएगा, उसमें ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए संलग्नक में उल्लिखित योजनाओं में उपशीर्षकों के अंतर्गत दिए गए मानक मद विवरण के अनुसार आय व्ययक में प्रावधानित धनराशि रुपए जो कि लिखी गई है यहां पर 22 अरब
और 34,40,27,000 रुपया, इसके सापेक्ष जो राज्यांश है यानी राज्य सरकार का जो हिस्सा है वो यहां पर दिया हुआ है 39,34,72,000 रुपया, ये दिया हुआ है। और साथ ही आप देखें निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल जी स्वीकृति प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं। लिखा है अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुक्त न करते हुए आवश्यकता अनुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही समय समय पर भारत सरकार और राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्गत संबंधी मानकों, दिशा निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि में अधिक का व्यय नहीं किया जाएगा। उक्त स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद में किया जाएगा। उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य योजना कार्यक्रम मद इकाई पर व्यय नहीं किया जाएगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो इसके लिए निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश जो है उत्तरदायी होंगे। साथ ही साथ लिखा है प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक जी पर जो है रहेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के ऑडिटेड लेखों के संबंध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार के नियमानुसार केंद्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जाएगी। साथ ही स्वीकृत केंद्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाले केंद्रीय सहायता की धनराशि से किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केंद्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी। इसी तरीके से यहां पर सारे जो भी नियम कायदे हैं वो यहां पर लिख करके भेजे गए हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग पैसे जो है यहां पर खर्च किए जाएंगे। वहीं पर आगे आपको बताना चाहेंगे जैसे कि हम अगर तालिका पर आए जिसमें लिखा है कि यहां पर 30 मार्च 2022 का संलग्नक, तो इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो यहां पर केंद्र और राज्य जो भी है उनकी सबकी हिस्सेदारी सब लिखी गई है। नीचे यहां पर ये रहा आपका चार्ट जो रुपए लिखे हैं, तो वेतन वगैरह के लिए लिखा हुआ है 25 और 75 का जिन राज्य जो है यहां पर जहां पर वो चलता है रेशियो, उसमें आय जो है व्ययक अनुमान 2021-22 का जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पैसा लिखा गया है 2,92,70,60,000। जारी स्वीकृति इसमें कितनी है, जारी स्वीकृति है 1 जो है यहां पर अरब और 41,25,00,000। वहीं पर अवशेष कितना अभी रह गया है बजट में, तो अवशेष अभी रह गया है 1,51,52,60,000 इतना। साथ ही मांग कितने की अभी की गई है, मांग की गई यहां पर 2 जो है यहां पर आप देख सकते हो 2 करोड़ की। साथ ही केंद्रांश में यहां पर 500 लिखे हुए हैं जो है यानी 5 करोड़, और जो है इसमें इसके अलावा देखो यहां पर नहीं 500, हां यहां पर 500 जो यहां पर इतने लाख रुपए में दिए गए हैं, यानी आप समझ लीजिएगा कि 5 करोड़ रुपया यहां पर दिया गया है। और यहां पर ये 20 करोड़ है, सॉरी ये आपने अभी जो मांग देखी है वो 2 करोड़ नहीं, वो 20 करोड़ की है, जिनमें 500 करोड़ केंद्र सरकार के स्तर से और राज्य सरकार के 1500 करोड़ के स्तर से लिखा है। महंगाई भत्ते की अगर हम बात करें तो ये वेतन वाला था, और वेतन आपको पता है आंगनबाड़ी बहनों को नहीं मिलता है, हमारे विभाग के कर्मचारी जो बड़े वाले हैं ऊपर के अधिकारी सुपरवाइजर लेवल के सीडीपीओ डीपीओ इनको मिलता है, तो उनके स्तर से 200 करोड़ की मांग, जिसमें 500 रुपया केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का बाकी हिस्सा। महंगाई भत्ता के बारे में लिखा गया है 8 जो है यहां पर अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो 27,83,00,000 जो है यहां पर लाख 28,000। जारी स्वीकृति कितनी है यहां पर 36,62,67,000। अवशेष कितना है यहां पर 51,20,61,000। वहीं पर मांग की गई है यहां पर कितने की 600, यानी यहां पर कितने कहे 6,20,00,000 की। और आगे देखिएगा केंद्रांश है इसमें 1,55,00,000 और इसके अलावा राज्यांश है इसमें 4 जो है यहां पर करोड़ और 65 जो है लाख। इसके अलावा मानदेय 7 में जो सातवें नंबर पे लिखा है मानदेय, जिसमें 60-40 का रेशियो है, जिसमें केंद्र सरकार 60 देती है और राज्य सरकार 40 देती है, तो उनके लिए यहां पर दिया गया है वो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा 15 अरब यहां पर रुपए हैं, और जिसमें से जारी स्वीकृति कितनी है, जारी स्वीकृति यहां पर दी गई है 9 अरब और यहां पर 1,66,67,000 रुपए। अवशेष स्वीकृति कितनी है यहां पर 5 अरब 98 जो है यहां पर करोड़ 33,00,000
35,000 रुपए। साथ ही मांग यहां पर की जा रही है 40 जो है करोड़ की, और साथ ही यहां पर लिखा गया है जो 24 करोड़ रुपया केंद्रांश का और 16 जो है यहां पर करोड़ रुपया राज्य सरकार का। इसके अलावा देखिएगा गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि खरीदने के लिए 60-40 का रेशियो, जिसमें दो जो है 21,75,90,000 रुपया है, और ये आपका अनुमान वाला है, अवयस्क अनुमान वाला, और जारी जिस जो स्वीकृति है वो 10,46,67,000 है। वहीं पर अवशेष स्वीकृति की बात करें तो 10 जो है करोड़ और 89,23,000 है। मांग की गई है 2 यहां पर जो है कितने की 2,70,00,000 की, केंद्रांश जिसमें 1,62,00,000 और राज्यांश जिसमें 1,08,00,000। इधर बात करते हैं मकान किराया भत्ता की 25-75 के रेशियो में जो है, इसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको हम बताना चाहेंगे कि यहां पर 14,39,10,000 रुपया ये अनुमान वाला, जिसमें जारी स्वीकृति कितनी है, जारी स्वीकृति है यहां पर 7 जो है यहां पर लिखा गया 7,20,00,000 रुपया, अवशेष स्वीकृति 7,19,00,000 रुपया, 19,10,000 और है। साथ ही साथ मांग की गई है 1,80,00,000 की, और इसके अलावा केंद्र का हिस्सा है इसमें 45,00,00,000, और उसके अलावा राज्यांश का हिस्सा है 1,35,00,000। इधर बात करते हैं योग, अगर आप देखें तो योग में ऊपर जो दिया गया है इसमें है यहां पर जो है 19,16,75,88,000 ये अनुमान के पैसे थे, और जारी स्वीकृति कितने की हुई है 10 जो है यहां पर अरब और 97,61,01,000 रुपए। वहीं अवशेष जो स्वीकृति है, जो अवशेष रह गया है, अवशेष स्वीकृति जिसमें दिया है उसमें यहां पर 8,19,14,87,000 रुपए। वहीं मांग की गई है यहां पर 70 जो है यहां पर करोड़ और 70,00,000 रुपए की। वहीं पर केंद्रांश है इसमें 32,62,00,000 जो है लाख का, और राज्यांश है जिसमें 38 जो है यहां पर करोड़ और 8,00,000 का। इधर आप देखिएगा फिर लिखा 101 जो है क्या लिखा 0104 संशोधित करके, जिसमें है जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था, वेतन भत्ते 25-75 के रेशियो में, 60-40 के रेशियो में, वो सब इसमें अलग दिए हैं। तो ये जिला स्तर के अधिकारियों लेवल के होंगे, तो इसका ब्यौरा थोड़ा अलग है, तो ये बाकी लोगों के अपने अधिकारी लेवल का इनका नीचे लिखा है। वहीं पर ऊपर का जो है वो यहां पर वेतन और मानदेय का आप देखेगा, तो मानदेय वाला जो कॉलम था 60-40 का रेशियो, वही आंगनबाड़ी बहनों हम सबका शायद मानदेय वाला होगा इसमें। और बाकी इस तरह से पूरा लेखा जोखा इस वर्ष का आपका आ चुका है। महावीर प्रसाद गौतम जी हैं संयुक्त सचिव, उनके स्तर से यह लेटर जारी है। मुझे लगा आप लोगों को पूरी जानकारी देनी चाहिए, प्रेम लता बहन आगरा से आती, उनके द्वारा यह लेटर भेजा गया, जिससे आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि अनुमान के आधार पर कितना बजट होता है, वहीं पर स्वीकृतियां जारी कितनी होती हैं, अवशेष भी रह जाता है वो भी आप लोगों ने यहां पर देखा, मांग देखो कितने की होती है, इसमें केंद्र राज्य का हिस्सा कितना होता है, ये सब अलग अलग करके दिखाए हैं। बाकी सरकार मानदेय बढ़ाने के बारे में थोड़ा सोचे, जो बढ़ोतरियां की है उसका भुगतान भी करे, नया वित्तीय वर्ष लागू हो रहा है और पिछलों का बकाया जो जिनका रह गया है उसका भी जो है पूरा भुगतान हो जाए, यही जो विभाग से एक जो है यहां पर ये कम विनती है, या यूं समझो कि यहां पर एक अपील है, जो सब बहनें चाहती हैं कि उनका पैसा आ जाए जिनका भी अभी नहीं आया है। तो आज जो है सुबह 10 बजे के वीडियो में इतने रखते हैं, अगला वीडियो जो आएगा 12 बजे आए या 3 बजे आए, जो भी आए उसको देखना, क्योंकि अब वीडियो ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि खबरें ही ज्यादा आ रही हैं, तो प्लीज देखते जाइए। और हाँ